बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर अली हूँ और आपको मेरी नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का नाम लेकर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस टाइम तकरीबन 2:30 बज चुके हैं दोपहर के, और एज यूजुअल मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, अभी फ्रेश हुआ हूँ, नमाज पढ़ी है जोर की, और अब मैं नाश्ता करूँगा। नाश्ता करके थोड़ी देर के लिए चलते हैं बाहर, कुछ चीज़ें लेनी हैं, और आपको एक दो जगह दिखाता हूँ भावलपुर सिटी की। तो अभी बस जल्दी से नीचे चलते हैं और जाके नाश्ता करते हैं, बाकी बातें फिर होती हैं। नाश्ता रेडी, बस अब नाश्ता करते हैं और थोड़ी देर में निकलते हैं। आज फिर हाफ फ्राई के साथ पराठा, मेरा फेवरेट नाश्ता जी। तो नाश्ता हो गया, बस अब चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। चाय पीने लगा हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त चाय बनी हुई है, बहुत आला, कसम से मज़ा आ गया एक सिप लेके। आपने भी कभी चाय पीनी हो ऐसी तो बताइएगा मेरी तरफ से। बिस्मिल्लाह तवक्कलतुल्लाह। जब भी आप घर से निकला करें तो ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, और साथ कोशिश किया करें कि अगर 3 दफ़ा आयतन कुर्सी पढ़ लें तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। कितनी ग्रीनरी और खूबसूरत जगह है ये, इस शहर के बीचों बीच इतना खूबसूरत इलाका। ये मॉडल टाउन ए है, सामने चौक में आप मोनूमेंट चेक करें, पेंसिल्स बनाई गई हैं। और इधर नादरा ऑफिस, वैल्यू। अभी थोड़ी देर में यहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं और फिर निकलते हैं। ये है जी चेज वैल्यू मेंस पोर्शन। जी ये देखें, ये है चेज वैल्यू मॉल। अभी मैं इधर आया था, थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी वो नहीं, अंदर बहुत ज़्यादा रश था, इस वजह से कोई वीडियो वगैरह नहीं बना सका, बस छोटे से एक दो क्लिप लिए। और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, एक और जगह चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, मॉल टाउन ए का ये बिल्कुल लास्ट रोड है। अभी मैं चेस वैल्यू से निकला हूँ और अब जा रहा हूँ इम्तियाज़ मॉल। तो अभी इम्तियाज़ मॉल में मिलते हैं जी। तो अब मैं इम्तियाज़ मॉल आ गया हूँ, अभी अंदर जाते हैं और कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, कुछ मेडिसिन लेनी है, और उसके बाद देखते हैं अगर मैं अंदर बना सका वीडियो तो बनाऊँगा, क्योंकि आज संडे है तो बहुत ज़्यादा रश है, उसकी वजह से अंदर मॉल में वीडियो बनाना बहुत ऑकवर्ड सा भी लगता है और बना भी नहीं पाता बंदा रश की वजह से। जी यहाँ से कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी ली है, कुछ मेडिसिन ली है, अभी कुछ और चीज़ें लेनी है, फिर चलते हैं वापस। नाज़रीन मैं फ्री हो गया हूँ यहाँ से, अभी अभी बाहर निकला हूँ, जो शॉपिंग करनी थी कर ली है, अभी बस निकलते हैं घर के लिए और फिर घर पहुँच कर मुलाकात होती है आपसे। नाइट व्यू चेक करें भावलपुर सिटी का, ये मेन सर्कुलर रोड है।
काफ़ी घूमने फिरने के बाद और थोड़ी सी ग्रॉसरी और थोड़ी सी मेडिसिन और बाकी चीज़ें लेने के बाद अब मैं घर आ चुका हूँ फाइनली। यूजुअली क्योंकि मैं घर में ही बैठा रहता हूँ और बाहर बहुत कम जाता हूँ, लेकिन आज क्योंकि जब थोड़ा सा घुमा फिरा हूँ तो बहुत जल्दी भूख लगी है मुझे, तो अभी मैंने घर वालों को कहा कि जल्दी से खाना रेडी करें, तो अभी थोड़ी देर में बस अब खाना खाते हैं, फिर चाय पीते हैं और फिर कल वाली वीडियो भी अपलोड करनी है अभी फेसबुक पर। यूट्यूब पर तो कर दी थी, उम्मीद है आप लोगों ने अब तक देख भी ली ली होगी, अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखें। जो मैंने फ्राइडे वाला व्लॉग बनाया था वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो फ़ौरन से पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसको जाकर देखें और मुझे बताएं कि आपको वो व्लॉग कैसा लगा। अभी वो व्लॉग मैंने फेसबुक पर भी अपलोड करना है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो करते हैं। पहले खाना खा लें फिर करते हैं, साथ साथ चाय पियेंगे और साथ साथ वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, मैं खाना खा चुका हूँ, अभी ऊपर आया हूँ, वीडियो अपलोड करते हैं और साथ साथ चाय पीते हैं, और आपको पता है चाय तो फिर लाजमी है। सुकून हो गया कसम। चलें जी अभी वीडियो अपलोड करते हैं फिर देखते हैं क्या करना। जी चाय भी पी ली और वीडियो भी अपलोड हो गई, और आज उल्टा काम हुआ, चाय पीने के बाद फ्रेश होने की बजाय मुझे तो ज़बरदस्त नींद आ रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी लेट कर सो जाऊँ जल्दी से, बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है मुझे। तो इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर किसी भी रीज़न से आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए एक और अच्छी सी वीडियो, एक और अच्छा व्लॉग लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।